स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पास एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल। और इसके कुछ क्वेश्चन हम यूज करेंगे टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मेरे पास इस बुक टीएस ग्रेवाल का एडिशन 2024 है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि बुक का है क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों, रिया मोना एंड निशा ये तीनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर किया करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2:1। आपको इनके पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं जो कि हैं ₹1,40,000, ₹84,000 एंड ₹1,06,000। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं वो बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे आपस में, यानी कि इन्होंने इन प्रॉफिट्स को आपस में 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि किया जाना था इन द रेशियो 3:2:1 में। तीनों साल तक इनसे ये गलती होती रही। अब आपसे कहा गया है कि इस गलती को सुधारने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। अब वो एंट्री कैसे बनाई जाएगी और उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल जो बनानी है वो कैसे बनाई जाएगी, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट टेबल जो है वो बनाई जाएगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है बच्चों, फिर आपको इस तरह से कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जितने पार्टनर्स उतने ही कॉलम बनाने हैं। यहां फिलहाल 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे, रिया मोना और निशा का। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट कॉलम बनाना है आपको फॉर्म के लिए। तो यानी टोटल आपको यहां पर 5 कॉलम बनाने पड़े। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा रिया का, तीसरा मोना का, चौथा निशा का और पांचवा फॉर्म का। यह बात ध्यान रखिएगा, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का और आखिरी कॉलम फॉर्म का आपको बनाने हैं। उसके अलावा बीच में उतने कॉलम बनेंगे जितने पार्टनर्स हैं। फिलहाल 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम बनाए। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है कि जो प्रॉफिट पहले बटा था, जैसे बटा था उसको इन लोगों से वापस लेना है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको इन लोगों से वापस लीजिए और उसी रेशियो में वापस लीजिएगा जैसे बटा था। कैसे बटा था बच्चों? इक्वली। तो इक्वली ही इन लोगों से इस प्रॉफिट को वापस लीजिए। तीनों साल के प्रॉफिट जब आप जोड़ लेंगे तो वो आएगा बच्चों ₹3,30,000। तो आपको ये ₹3,30,000 इन लोगों से वापस लेना है। कैसे वापस लेना है? इक्वली वापस लेना है। तो उससे ये तीनों पार्टनर जो है वो डेबिट हो जाएंगे विद ₹1,10,000 ईच। डेबिट का मतलब यहां पर जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूं वो डेबिट को ही इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इन्हें डेबिट करिएगा मगर फर्म को क्रेडिट करिएगा। ये मानिए कि फर्म इनसे ये प्रॉफिट वापस ले रही है और उसी रेशियो में वापस ले रही है जैसे उसने इसको बांटा था या जैसा इनमें पहले बटा था। अब आपको क्या करना है, इसी प्रॉफिट को इन्हें सही रेशियो में बांट देना है। तो लिखिए प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बच्चों, और वो रेशियो क्या है बच्चों? 3:2:1। अब इसी 1,30,000 को इन तीनों में 3:2:1 के रेशियो में बांटिए। उससे रिया का अमाउंट आएगा 1,65,000। इसे बिना ब्रैकेट के लिखिएगा क्योंकि ये हम इन्हें क्रेडिट कर रहे हैं, बांट रहे हैं इन लोगों को। मोना का आएगा 1,10,000 और निशा का आएगा 55,000। अब इन तीनों को क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट। यानी फर्म इनसे यही प्रॉफिट जो इनसे वापस लिया था वही इनको लौटा रही है बट इन द करेक्ट रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जो गलती हुई थी उसको सुधार लिया। जैसे बटा था वैसे वापस ले लिया और जैसे बटना चाहिए वैसे इनको दे दिया। अब निकालेंगे हम लोग नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट का मतलब कि कौन सा पार्टनर डेबिट होगा कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा, आइए ये जान लेते हैं। और बड़ा आसान है इस चीज को जानना। ठीक है बच्चों,
रिया डेबिट हुई है 1,10,000 से, क्रेडिट हुई है 1,65,000 से, तो इसका नेट इफेक्ट 55,000 निकल के आ रहा है क्रेडिट। मोना का डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है, इसका नेट इफेक्ट आएगा निल। निशा का डेबिट ज्यादा है आप देख सकते हैं, क्रेडिट कम है, तो उसका नेट इफेक्ट निकल कर आएगा ₹55,000 डेबिट, और फर्म का नेट इफेक्ट आएगा निल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट टेबल बन गई बच्चों। अब हमें केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और उसके लिए कौन से अमाउंट यूज करने हैं और किस पार्टनर को यूज करना है वो आपको नेट इफेक्ट से मिल जाएगा। आपको निशा को डेबिट करना है विद ₹55,000 और रिया को क्रेडिट करना है विद ₹55,000। मोना ना डेबिट होगी ना क्रेडिट होगी क्योंकि उसका नेट इफेक्ट निल आया है। ठीक है बच्चों, आइए उस एडजस्टमेंट एंट्री को भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। निशा को अब हमें डेबिट करना है, किस अमाउंट से करना है वो हमें पता है, ₹55,000 से, और रिया को हमें क्रेडिट करना है, इसे भी हमें क्रेडिट करना है विद ₹55,000 से। ठीक है बच्चों, नरेशन लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में आपसे मेनली एडजस्टमेंट एंट्री ही मांगी गई थी, बट अगर आप एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री किस अमाउंट से बनानी है।